कोशिश करी थी कि दिल्ली का कानून हम पे लागू हो जाए और लागू कानून हो नहीं पाया, इसलिए इनको समझ जाना चाहिए कि अगर 26 साल लड़ने के बाद ब्याज किसानों को दिलवाने की बात करी है, नहीं देंगे तो क्या हाल होगा। गन्ना किसान 3.5 करोड़ वोट है उत्तर प्रदेश में और सरकार बनती है 2.25 करोड़ में, 2.5 करोड़ में, योगी जी की बनी 3 करोड़ में। हल्के में मत लो, ये आपका वायदा था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 14 दिन में पेमेंट करूंगा, नहीं तो ब्याज दूंगा। पेमेंट तो हुई नहीं, 30,000 में से 11,000 करोड़ अभी बकाया है। और मोदी जी के वायदे को छोड़ते हुए योगी जी के बड़े बड़े इश्तेहार दिखते हैं, 1,35,000 करोड़ दे दिया, 40,000 करोड़ दे दिया। और उनसे पूछो कैसे, जब से हमारी सरकार आई है दे दिया। उनके पैमाने अलग हैं, योगी हैं, महंत हैं, उनकी सोच समझ अलग है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि डीजल का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, लेबर बढ़ गई, तो गन्ना किसान का रेट भी बढ़ना चाहिए, 4 साल से वही रेट है। उन्हें समझ नहीं इन चीजों की। उनके कहने के हिसाब से अगर मैं पूछूं, योगी जी आपसे पूछूं, कितनी रोटी खाएगी सुबह, आप कहोगे 2, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4। योगी जी की समझ के मुताबिक वो कहेंगे, जब से मैं पैदा हुआ मैंने 8,652 रोटी खाई है। ऐसे चलता है क्या काम? ये बेवकूफ बनाने का काम छोड़िए, सीधा सीधा कोर्ट के आदेश का अनुपालन करिए। जब आपको पंचायत चुनाव था, आपने कोर्ट का आदेश हमें करना पड़ रहा है, कोर्ट ने कहा है गन्ना किसान को ब्याज दीजिए, दीजिए ना। 10 साल का ब्याज हमारा बकाया है और 11,000 करोड़ बकाया है। इसके लिए बहुत सीधा है, अगर मिलों के पास पैसा नहीं, आप मिलों के शेयर बढ़ रहे हैं, बजाज हिंदुस्तान 17 रुपये, उसके शेयर की वैल्यू 1 महीना पहले 11 रुपए थी, आज 18 रुपए हो गई है। क्यों? मुनाफे में आ रहे हैं। हमें मोदी जी MSP नहीं देते, पर मिल मालकों को MSP देते हैं। हमारा गन्ना जो ही रेट में जाए, पर चीनी पहले 29 रुपया था, फिर 31 रुपये हो गया, अब 33 रुपए किलो से कम कोई खरीद नहीं सकता। उनके लिए गारंटी कर रहे हैं, हमारे लिए गारंटी नहीं है। इसलिए ये समझिए, ये सरकार जो है किसानों ने बनाई है, किसानों की सरकार है। किसान को इतना मत तंग करिए कि आपको चेतावनी देने का काम करे। हम आज केवल गुजारिश करने आ रहे हैं कि हमारा पैसा हमें दे दो, और नहीं दोगे तो आप ज्यादा मालिक हो, आपको समझ ज्यादा है। पिछली सरकार कैसे गई थी, आप कैसे आए थे, आप कैसे जाओगे, QR कैसे आएगा, आपको समझ लो। कहीं पैसा ना भी हो, योगी जी समझे पैसा नहीं है, जब 26-27 साल से कोर्ट कचहरी से आदेश ला रहे हैं, हम आपको रास्ता भी बताते कि पैसा ना होते हुए भी आप कैसे हमारा पेमेंट करा सकते हो, पेमेंट तो करना मिलो ने। मोदी जी ने कहा था 20 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ रुपया हमने साइड में रख लिया है उत्तर पूरे देश के कोरोना के लिए। उत्तर प्रदेश देश का 1/6 हिस्सा है, 3.25 लाख करोड़ हमारे हिस्से में आता है। अगर 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी से ले लो तो केवल 1 रुपए में से 1 पैसा होता है। किसानों की पूरी पेमेंट कर दो, ब्याज दे दो, पैसा दे दो, और जब मिल मालिक दे मोदी जी को वापस दे दो, ना ही ना फटकड़ी, हमारा काम भी चल जाए, सबके हाथ से पूछ जाए। और आपको रास्ता बता रहे हैं, तब भी रास्ते पे ना चलना चाहो तो फिर किसान अपना हल खुद निकाल लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने तो इतना जिले का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किसानों को तो मूड बना ही रहे हैं, लेकिन आप कैसे कह रहे हो कि हमको पैसा दे दें, कैसे आपको दे देंगे, वो तो जुमला कह रहे हैं। फिर तो आप ये भी कह सकते हो ना कि मोदी जी ने तो कहा था 14 दिन में पेमेंट हो ब्याज, वो भी जुमला था। फिर तो बनाना रिपब्लिक हो गया ना ये, फिर देश क्या, फिर देश कौन चला रहा है? ये बातें बेकार है। अगर प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं कर पाओगे किस पे करोगे? गृहमंत्री कह रहा है वो आप अपने देखे, हम तो प्रधानमंत्री को मानते हैं, प्रधानमंत्री वोट मांगने आए थे, युति में गृहमंत्री नहीं आया था। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आया था वोट मांगने के लिए, योगी नहीं आया था, अमित शाह नहीं आया था, केवल मोदी आए थे। हम उनकी बात को मानते हैं और कहते हैं योगी जी अपने प्रधानमंत्री की बात को सेवा चढ़ाओ,
उसको जो है आप अपने अमल करो और किसानों का पैसा दो और वही मोदी जी से पैसा लेकर